से ही ग्राउंड से हमें तमाम जानकारियां और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे सनु चर्मा का, हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनु बताएं क्या स्थिति है अभी मतदान केंद्र पर, क्या भीड़ अभी भी लग रही है लाइनों में? देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर नगर विधानसभा इलाके में हूं और वहां के एक पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देख लीजिए कि यहां मतदाता अब नजर ही नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का मतदाता जरूर है जो यहां पर वोट करने के लिए बूथ के भीतर दाखिल है, लेकिन जिस तरह की कतारें देहात के इलाकों में नजर आ रही थी उस तरह की जो कतारें हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं ये बाहर बैठे हुए हैं। सुरक्षा का घेरा आप देख लीजिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा इंतजाम तो किया गया है। सुबह के वक्त यहाँ पर जरूर जो मतदाता है उनकी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया शाम होने को है और ऐसे में यहाँ मतदाता नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं। एबीपी गंगा अपील करना चाहता है कि जो लोग अभी तक भी मतदान करने अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं वो मतदान जरूर करें, वरना 5 साल पछताना पड़ेगा और पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ये नेता सही नहीं चुने गए, ये सरकार सही नहीं चुनी गई। ऐसे लोगों को आना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए। तस्वीरें देखिए वाकई कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस करने वाली है। गाजीपुर की वो धरती जो क्रांतिवीरों की धरती है, यहाँ पर जो भगवान परशुराम है उनके पिता जमदग्नि ऋषि उनकी ये तपस्थली कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सुबह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी वो उत्साह बढ़ाने वाली थी और लोगों को जागरूक करने वाली भी थी कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गाजीपुर नगर विधानसभा सीट है उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस जरूर कर रही है। कुछ जो यहाँ एजेंट है उनसे हम बात कर लेते हैं। सर एक चीज जानना चाहूंगा, बड़ी वैसा नजारा है यहाँ का तो मतदाता नजर ही नहीं आ रहे, सुबह तो भीड़ थी, क्या हुआ फिर? भीड़ थी, अभी तक सिर्फ 40-42% वोट हो पाया है और मैं चाहूंगा मतदाताओं से आकर अपना मत का प्रयोग करें भारी से भारी मतों से, और लोकतंत्र के इस महापर्व पर कम से कम ये जो वीरों की धरती है उनका मत प्रयोग कर और इसका मत का पूरा प्रयोग करें आप। देखिए अभी तक इन्होंने बताया कि 42% मतदान यहाँ पर हुआ है, जो वाकई सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या मतदाता जागरूक नहीं है, क्या वो अपने घरों से निकलकर वोट देना नहीं चाहते हैं? ऐसे लोगों को जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है।